आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाणी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भारत को धमकी देने के 55 दिन बाद ही मारा गया आतंकवादियों का आका अल जवाहिरी। मौत की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने काबुल में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया है। अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। बता दें कि ये वही अल जवाहिरी था जिसने 55 दिन पहले यानी 7 जून को भारत के कई राज्यों में बम धमाका करने की धमकी दी थी। आतंकी अल जवाहिरी की मौत पर दिग्विजय सिंह को फिर याद आए ओसामा। 11 साल बाद सोशल मीडिया में फिर दी सफाई। अमेरिका ने खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में घुसकर मार गिराया है। खबर मिलते ही दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर खुशी जाहिर की और करीब 11 साल पहले दिए गए ओसामा जी वाले बयान पर दी सफाई। खूंखार आतंकी सरगना की मौत पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। बोले, हमारे लोगों के लिए जो भी खतरा बनेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान के काबुल में आतंकी संगठन अलकायदा का मुखिया अल जवाहिरी को अमेरिकी आर्मी ने मार गिराया है। हमारे लोगों के लिए जो भी खतरा बनेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नैंसी पेलोसी के आज ताइवान दौरे पर तनातनी बढ़ी। चीन ने अमेरिका को फिर दी धमकी। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। मुद्दा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की आज से संभावित ताइवान यात्रा का है। इसे लेकर चीन ने अमेरिका को धमकी दी है तो यूएसए ने भी कमर कस ली है। आज ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 14 ठिकानों पर की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापा मारा है। गौरतलब है कि इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में 14 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द। भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय। यूपी के विधान परिषद उपचुनाव में सपा उम्मीदवार कीर्ति कोल का नामांकन पत्र खारिज किया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई थी। भारत में तेजी से पांव पसार रहा मंकी पॉक्स। केरल में मिला एक और मरीज। भारत में मंकी पॉक्स वायरस तेजी से पांव पसारने लगा है। राज्य में एक और मंकी पॉक्स का मामला सामने आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। मलप्पुरम में 30 वर्षीय संक्रमित का इलाज चल रहा है। बिजनौर में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों किसान। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बिजनौर जिले में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। किसानों ने मुफ्त बिजली देने का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 15 अगस्त को ही लॉन्च हो सकता है जियो की 5G सर्विस। बोले अंबानी, मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा है कि हम 5G की लॉन्चिंग के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो ने 22 सर्किल के लिए 5G स्पेक्ट्रम खरीदा है। जियो की 5G सर्विस 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। अभिनेत्री दिया मिर्जा की भतीजी का मार्ग दुर्घटना में निधन। बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर अपनी भतीजी तान्या के निधन की जानकारी दी है। अभिनेत्री की पोस्ट पर सभी उनकी भतीजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा बड़ी लापरवाही। हादसा होने से बचा। इंडिगो प्लेन के पहिए के आगे अचानक पहुंची कार।
दिल्ली एयरपोर्ट पर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां मंगलवार को एक कार इंडिगो प्लेन के नीचे आ गई। हालांकि इस दौरान कार प्लेन के पहिए से टकराने से बाल बाल बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 800 से अधिक सरकारी वकील किए बर्खास्त। योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं। सीबीआई ने 16 जगहों पर की छापेमारी, रेलवे के 3 अफसरों सहित 6 को दबोचा। सीबीआई ने पटना, कोलकाता, हाजीपुर, समस्तीपुर और सोनपुर समेत 16 जगहों पर छापेमारी कर रिश्वतखोरों के रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने रेलवे के 3 बड़े अफसरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर रिश्वत के 46,50,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने घोषित की उम्मीदवारों की पहली सूची, 10 विधानसभाओं में घोषित किए प्रत्याशी, साल के अंत में होगा चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषणा कर दी है। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्वच्छ छवि और शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को जगह दी गई है। यूपी में उफान पर गंगा, घाघरा और राप्ती समेत कई नदियां, वाराणसी में अलर्ट मोड पर प्रशासन। यूपी में गंगा, घाघरा और राप्ती समेत कई नदियां तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यमुनोत्री धाम की यात्रा तीसरे दिन भी रुकी, जगह जगह फंसे तीर्थयात्री। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही बारिश के कारण पैदल मार्ग पर जोखिम बढ़ने से यमुनोत्री धाम की यात्रा आज तीसरे दिन भी रुकी है। विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्री पिछले 2 दिन से जगह जगह सुरक्षित स्थानों पर फंसे हुए हैं। बागपत में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं, थाने के पीछे हुई बड़ी वारदात। गैस एजेंसी कर्मी की आंखों में झोंकी मिर्च, 32,000 रुपए लूटे। बागपत में मंगलवार सुबह सिंघावली अहिर थाने के पीछे सराय दत्त नगर मार्ग पर बड़ी वारदात हुई है। यहां एक गैस एजेंसी कर्मचारी से बदमाशों ने हथियारों के बल पर 32,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है बदमाशों ने एजेंसी कर्मी की आंखों में मिर्च भी झोंकी थी। फिलहाल पुलिस पीड़ित से पूछताछ कर रही है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मेरठ की रूपल चौधरी का शानदार प्रदर्शन, भारतीय टीम ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। कोलंबिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मिक्स रिले स्पर्धा में मेरठ की एथलीट रूपल चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव हुए पारित, रामनगर पालिका वाराणसी नगर निगम में हुई शामिल। योगी सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक की नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार करते हुए रामनगर पालिका परिषद को निगम सीमा में शामिल किया गया है। अल जवाहिरी की मौत का अफगानिस्तान ने लिया बदला, आईएसआई के करीबी पाकिस्तानी कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ाया। कहा जा रहा था कि अल जवाहिरी की पल पल की खबर पाक सेना के पास थी, ऐसे में अफगानिस्तान को समझने में देर नहीं लगी। अफगानिस्तान ने पाक आईएसआई के करीबी कमांडर सरफराज का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। इस हमले में कमांडर सरफराज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का साथ तहरीक ए तालिबान, पाकिस्तान और दूसरे आतंकी संगठनों ने दिया है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन।